sign. तेजली का very good. वीडियो क्लीन नहीं है. देखिएगा यहाँ पे sin inverse 1 by 2 है. तो sin inverse 1 by 2 तो पहले एक चीज पता होना चाहिए कि 1 by 2 sin में कितना डिग्री का वैल्यू होता है. तो 1 by 2 sin में 30 के वैल्यू होता है. तो ये sin inverse मैंने लिख दिया और 1 by 2 जो है sin 30 यानी pi by 6. अब मैंने एक थ्योरी बताया था जरा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड या फर्स्ट बताया हुआ sin inverse sin x बराबर क्या होता है x होता है. मैंने बताया था sin inverse sin x बराबर क्या होता है x होता है. बता बताया था इसके बारे में. तो अब यहां पे जरा देखिएगा sin inverse sin x बराबर क्या होता है x होता है. x मेरा 5 6 और इसके मैंने रेंज भी बताया था. इसका रेंज बताया था क्या कि -90 से +90 के बीच में देखना होगा. यानी जो भी x होगा यानी जो भी x मेरा डिफाइन करेगा वो -90 से +90 के बीच में होगा. यहां भी मेरा जो आया pi by 6 वो -90 से +90 के बीच में है. तो मेरा ये कंप्लीट जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू है. अगर इस रेंज के बीच में नहीं आया तो मेरा बनाया हुआ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा. तो मेरा ये -90 से +90 के बीच में pi by 6 है ना डिग्री ये बनाया मेरा क्या है सही हो जाएगा. तो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया सभी को समझ आ गया बहुत बढ़िया. चलिए ठीक है. तो देखिए यहां पे जो लिखाया है ये रूट 3 बाई 2 साइन में पाई पाई 3 का वैल्यू था 60 डिग्री का. अब यहां पे क्या है कि साइन वर्स साइन एक्स पर क्या होता है एक्स होता है. तो डायरेक्ट साइन वर्स साइन एक्स पर क्या हुआ एक्स. अभी रेंज के बीच में जो है ना माइनस रेंज बहुत जरूरी है. रेंज ही देखिएगा सभी का मैंने रेंज लिख दिया किसका किसका क्या रेंज है. अगर रेंज के बीच में आ गया तो मेरा बनाया हुआ क्या कंप्लीट सही है कोई डॉट नहीं है. क्लियर. एक क्वेश्चन और जरा देखिएगा एक क्वेश्चन और बनाइएगा. साइन इनवर्स माइनस वन टू बनाइए कैसे जरा देखिएगा. पहले तो ये माइनस बाहर कर देते इस फॉर्मूला से माइनस साइन इनवर्स 1 by 2 क्लियर है. माइनस माइनस है साइन इनवर्स है और 1 by 2 30 के वैल्यू होता है. ठीक है. तो साइन क्या हो जाएगा पाई बाय 3 पाई बाय 6 ना पाई बाय 6 30 का वैल्यू होता है. अब इसके बाद जब देखिएगा क्या करेंगे ये माइनस माइनस है साइन इनवर्स साइन x बराबर कितना हो जाएगा x यानी पाई बाय 6 a वन ओवर लेकिन माइनस पाई बाय 6 है यानी माइनस 3 दिया है. तो माइनस 3 डिग्री साइन इनवर्स का रेंज माइनस 90 से प्लस 90 का रहा. तो माइनस 90 से प्लस 90 में क्या है ना माइनस 5 बाय 6 यानी बनाया मेरा परफेक्ट सही है कोई डॉट नहीं है. एक क्वेश्चन और जरा बता दीजिएगा. चलिए कॉस इनवर्स माइनस 22 बनाइएगा. मैंने बनाया कि पहले cos inverse minus 6 बराबर pi minus cos में से किया तो pi minus cos 1 by 2 over 2 में cos 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया cos inverse cos में x हो गया और घटाने के बाद 2 pi 3 आ जाएगा. क्लियर. 1 को हम लिख सकते हैं tan हां सही किया सही बनाया. 1 को लिख सकते हैं tan pi by 4 और tan inverse tan x पर क्या हुआ x ये pi by 4 ये रेंज के बीच में है यानी करा रेंज क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में रेंज 45 डिग्री है यानी परफेक्ट है. क्लियर. इसी तरह से और देखिएगा. चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा जो सामने लिखा हुआ है. पहले जरा एक फॉर्मूला कंसीडर करते हैं. पहले जो भी है फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. मैंने एक प्रॉपर्टी में याद कीजिएगा जहां थ्योरी को प्रूफ किया था तो उसमें बताया था कि वो यूज करेंगे. देखिएगा sec इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स x होता है. देख लीजिए पाई माइनस sec इनवर्स x तो यहां भी sec इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स रूट 2. क्लियर. अब यहां भी रूट 2 का मतलब है 45 डिग्री. sec pi by 4 का वैल्यू होता है sec pi by 4 और sec pi by 4 sec inverse sec x बराबर क्या होता है x होता है यानी pi by 4 और इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 pi by 4. 3 pi by 4 का मतलब होता है 135 डिग्री और sec का क्या है क्या कि 0 से x राशि के बीच में होगा कि 90 को छोड़ करके. तो 0 से x राशि के बीच में है
परफेक्ट सही है जो भी विद्यार्थी बताया जब सही सही है लेकिन थोड़ा सा देखिएगा यहां पे क्या करेंगे tan inverse minus x बराबर minus tan inverse x ठीक है तो ये तो माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस tan inverse root 3 ठीक है माइनस माइनस है और tan inverse है और root 3 root 3 tan में कितना का वैल्यू होता है तो root 3 tan में होता है pi by 3 का यानी 60 डिग्री और ये माइनस माइनस है tan inverse tan x फर्क हो गया x के माइनस माइनस tan inverse करें माइनस 90 से पास अभी इतना है तब परफेक्ट है इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन cosec inverse माइनस root 2 का बना लीजिए डॉट नहीं है कि क्योंकि जिस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं फटाफट जरा ये भी क्वेश्चन सामने है देखिए मैंने कभी पढ़े होंगे आर्क जब भी लिखा रहेगा समझ जाइए कि आर्क हटाएंगे तो इनवर्स लगता है यहां पे आर्क जो लिखा हुआ है आर्क हटाएंगे तो इनवर्स लगेगा देखिएगा cot इनवर्स root 3 क्लियर है आर्क हटाएंगे तो इनवर्स लगेगा ध्यान रखिएगा और इनवर्स जब लगते हैं आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि cot इनवर्स यहां root 3 जो होता है root 3 जो होता है cot में कितना का वैल्यू होता है root 3 cot में कितना का वैल्यू होता है root 3 cot में होता है 3 डिग्री का पाई बाय कितना होता है 3 का होता है पाई बाय 6 का होता है root 3 पाई बाय 6 तो यहां पे cot इनवर्स cot x का है x अब इस रेंज के बीच में है कि नहीं cot का रेंज का है कि 0 से 60 है ना 3 डिग्री एकदम परफेक्ट सही है तो इसी तरह से जो है ना ये परफेक्ट कंडीशन है जो इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए क्लियर है सभी ना यहां तक सभी सीख लिया देखिएगा हालांकि सबका वैल्यू थोड़ा सा ही बताए हैं सभी विद्यार्थी यहां पे 1 का होता है डायरेक्ट tan tan pi by 4 और थोड़ा देर पहले मैंने पहले ही बताया कि cos inverse minus 1 2 का आज का पहला दूसरा क्वेश्चन है सही था तो cos inverse minus 1 2 का डायरेक्ट इज 2 pi by 3 क्लियर है और sin inverse minus 1 2 का ही बताए थे minus pi by 6 बताए होंगे याद कीजिएगा अभी थोड़ा देर पहले में और यहां पे tan inverse tan x बराबर क्या हुआ x pi by 4 अब सभी का सॉल्यूशन कर लीजिए जो आएगा कंप्लीट आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम ले सकते हैं ना एलसीएम 12 हो जाएगा एलसीएम 12 अब यहां पे क्या कर सकते हैं यहां पे आएगा 3 pi यहां पे आ जाएगा 8 pi और यहां पे आ जाएगा 2 pi लिख सकते हैं 11 2 9 यानी 9 pi by 12 आ जाएगा इसको लिख सकते हैं 3 pi by 4 कंप्लीट आंसर समझ आया सभी विद्यार्थी को देख लीजिएगा मैंने यहां पे सिर्फ 1 by 2 का वैल्यू cos pi by 3 1 by 2 का वैल्यू sin pi by 6 अब यहां पे cos minus cos x sin minus sin x अब कैंसिल कर दे तो pi by 3 का 2 pi by 3 आ गया क्लियर है पहले तो जरा देखिएगा tan inverse root 3 जो है tan में 60 डिग्री होता है pi by 3 क्लियर और इसको लिख सकते हैं pi minus sec inverse 2 यहां पे tan inverse tan x और x हो गया माइनस ये pi है और sec inverse ये 2 को लिख सकते हैं 2 pi by 3 120 क्लियर है ये तो pi by 3 हो गया माइनस और ये pi sec inverse x बराबर हुआ x हो गया क्लियर है आप इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं क्या जब देखिएगा ये pi by 3 तो है माइनस और इतना में इतना सेपरेट करेंगे कितना बचेगा ये pi by ये pi by 3 इसका गलती तो ना लिख दिया मैंने ये सही लिखा हुआ है root 3 का वैल्यू pi by 3 होता है ये 2 pi by 3 तो इसमें आगे दूसरा कुछ गड़बड़ यहां पे से जो है घटाएगा pi by 3 या 2 pi by 3 यानी सॉल्व करके आ जाएगा minus pi by 3 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एकदम परफेक्ट क्लियर है चलिए ठीक है क्योंकि इसका ऑप्शन क्या हुआ बी हुआ क्लोज इंटरवल है ना क्वेश्चन में क्या क्या होता है जरूर sin inverse sin x बराबर x होता है तो ये जो x होगा ये x जो देख रहे हैं ना इस रेंज के बीच में हाँ रेंज में वेरी गुड ये रेंज के बीच में जो 2 pi by 3 देख रहे हैं ना ये रेंज के बीच में 120 डिग्री 120 डिग्री रेंज के
इसको रेंज के बीच में करना होगा, तो रेंज के बीच में कैसे कर दिखेगा, छोटा करना होगा रेंज के बीच में। तो रेंज के बीच में करने के लिए 2 पाई बाय 3 को पाई में से पाई बाय 3 को घटाएंगे, 2 पाई बाय 3 को पाई में से पाई बाय 3 को घटाएंगे। इधर देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या आएगा, sin x + c - θ sin θ होता है, यानी sin पाई बाय 3, क्लियर। अब यहां sin और sin x पर क्या हो जाएगा, x, यानी परफेक्ट आंसर यही था मेरा, क्लियर। इसमें रेंज के बीच में है - पाई बाय 4 जो सामने लिखा हुआ है, क्लियर, सही बना सके, क्लियर। तो ये वाला इस मेथड से भी उस मेथड से दोनों का आंसर एक ही मेथड से आ गया, ठीक है। अभी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो थ्योरी दिया था, प्रॉपर्टी दिया था, उसका मैंने यूज करके बताया कि कैसे यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल रेंज के द्वारा दिया कि रेंज को कैसे हम प्रिंसिपल निकालते हैं, उसको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बताया है। तो इसी तरह से और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं मेरा लाइव क्लास कीजिए, और डिस्क्रिप्शन लाइव क्लास डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, उससे कांटेक्ट कीजिए और लाइव क्लास कीजिए। तो पुनः फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ, जब तक कि आप लोग मेहनत